This is not used yet. आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की ये परिचर्चा ये सामान्य विषयों से हट करके है, बहुत हट कर करके है, क्योंकि जहां तक मैंने इसके इस विषय में ढूंढने की एकत्रित करने की कोशिश की, बहुत कम इस विषय में जानकारी उपलब्ध हुई, इसलिए ये सामान्य रुचि का ये विषय नहीं है और इस विषय को समझने के लिए हमें पर्याप्त धैर्य की भी आवश्यकता होगी और यही अपेक्षा होगी कि इस विषय को हम उत्तर संभाग लोगों के सामने द साउंड ऑफ एन अल्फाबेट एंड इट्स सेक्टोरियल एक्सप्रेशन। किसी भी भाषा के उच्चारण वर्ण ध्वनि एवं लिखित वर्ण के आपसी संबंध की क्या व्याख्या है, क्योंकि जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं और वो वर्णों से बनी है, वर्णों से पद और फिर आगे वाक्य महावाक्य और भाषा जो भी आप उसको जैसे भी आप उसको समझते हैं, लेकिन जो मूलभूत बात है जिसके आधार पर हमने उस विषय में हमारे मूलभूत संबंध है, क्या ऐसा हम स्वीकार कर लें? सामान्य रूप से यही होता है जिसकी चर्चा हम आगे चलकर अभी और विस्तार पूर्वक करेंगे और शुरू के जो है 15-20 मिनट में आप 15 मिनट जो है वो इसी सारे विषय को लेकर कोई और रिस्पांस होगा तो फिर उसको हम देखते हैं कि इस विषय को और कैसे समझ सकते हैं। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन सोशल इन्हें आप देखेंगे दो चीजें बड़ी ध्यान देने योग्य है। एक तो इन भाषाओं वर्णों में एक अपनी तरह का एक बैलेंस आपको दिखाई देता है, वो कोई बिखराव या अचानक बने हुए या वो तुक्के से बन गए हुए अक्षर नहीं प्रतीत होते, आकृतियां प्रतीत नहीं होती। और दूसरा आपको जो इसमें सौंदर्य दिखाई देता है वो है सौंदर्य का पक्ष। तो बैलेंस भी आपको इनमें दिखाई देता है और लगता है कि जिस तरह की ये आकृतियां हैं वो निश्चित रूप से बड़ी गढ़ी गई होंगी और उनके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा और कोई ना कोई उनके पीछे भाव विचार कुछ ना कुछ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखनी है, समझनी है। तो ये दो प्रश्न है।
अब इसको हम नीचे स्क्रीन दोनों प्रश्न को दिखाई देते हैं। अब इन दोनों वर्णों को क्योंकि सामाजिक मान्यता मिली उसके लिबद्ध रूप को भी, तो इसका मतलब है कि वो हमारे सामूहिक चेतना के प्रतिनिधि है। अब वो सामूहिक चेतना के प्रतिनिधि दो रूप में हो सकते हैं, या तो वो है, वो आज की जो हम ध्वनि बोलते हैं या लिपि लिखते हैं वो उस तरह से बनी हो, या वर्ण इसी आपको दोष दे दू। हालांकि ये तंत्र में और शास्त्र साधनाओं में आपको ये शब्द सामान्य रूप से मिलता है, और जिसकी व्याख्या मैं थोड़ी सी आगे चले और कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न को परंपरा में ओंकार शब्द जब देखते हैं तो उस ओम में आपको अ उम ये तीन ध्वनियां तो मिलते ही हैं, और उन ध्वनियों को जो लिपिबद्ध किया गया है इस आकृति में, हालांकि ये छह रूप आपको मिलते हैं ओंकार के, लेकिन यहां मैंने एक ही लिया है, तो उस रूप का संबंध क्या बनता है, उस रूप और उस ध्वनि ओंकार का संबंध क्या है, क्या ये यादृच्छिक संबंध है या हमारे उसका प्रतिनिधि है। और इसी तरह से फिर जब आप ये पूरी मात्रिका चक्र को, इस वर्ण को मात्रिका चक्र के नाम से भी संबोधित किया जाता है, तो ये पूरे के पूरे जो 52 अक्षर हैं वो मात्रिका चक्र कहलाते हैं। तो अगर आप तो निश्चित रूप से आप उनको शक्ति के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो शक्ति के रूप में अगर स्वीकार कर रहे हैं तो उनकी आकृति और ध्वनि का कोई संबंध ना हो, और वो संबंध दार्शनिक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, जो भी हो, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वो संबंध का आधार क्या है। सर आवाज साफ नहीं आ रही, कारण तो पता लगे वो, ताकि हम अपनी चेतना का विस्तार कर सकें और इन अक्षरों को अनुभव कि वो आवाज साफ नहीं आ रही। डिस्टरबेंस आ रहा है, कटिंग हो रही है, कटिंग। ओके मैं दोबारा इसको एक सेकेंड, इसको मैं मोबाइल से ही बात करता हूँ आपसे, और जी अब आपको मेरी आवाज क्लियर दिखाई दे रही होगी, सुनाई दे रही होगी, अब ठीक है मैडम? मैम क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर बिल्कुल साफ आ रही है, धन्यवाद। ओके ओके ठीक है, चलिए इस सारे विषय को देख लेते हैं। तो बीच में मैं ये कह रहा था कि ये जो बीच वाला पक्ष आप देख पा रहे हैं, ये जो कि साउंड एनर्जी के सिंबल्स हैं, तो ये साउंड एनर्जीज इन्हीं के प्रतिनिधि हैं, इन आकृतियों के ये प्रतिनिधि हैं, लेकिन मैं इनमें और इन आकृतियों में कोई संबंध अभी तक नहीं ढूंढ पाया, और मैं नहीं जानता कि कोई वस्तुतः संबंध होगा कि नहीं होगा, या किसी लिंग्विस्टिक्स के जो स्टडी करते हैं उन लोगों ने कभी इस तरह के इन संबंधों को देखने की कोशिश की या नहीं की, तो ये भी एक अपने आप में एक विषय है, लेकिन अभी इस की ओर हम अग्रसर नहीं होते। लेकिन निश्चित रूप से ये अकार इकार उकार आदि की ध्वनियां हैं, कुछ एक हैं जिनको मैंने केवल आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे रखा है। और ये जो इधर आप
विभिन्न भाषाओं के देख रहे हैं ना, ये केवल इसलिए है कि जब हम इन प्रश्नों को देखें तो आप इन भाषाओं के इन स्वरूपों को, आकृतियों को ध्यान में रखें, वर्णों की इन आकृतियों को ध्यान में रखें, क्योंकि सारा का सारा हमारा ध्यान, सारा का सारा फोकस इन्हीं चीजों के ऊपर है, इन्हीं वर्णों के ऊपर है कि इनकी आकृतियों और इनकी ध्वनियों के ऊपर। तो चलिए थोड़ी सी बात को और अग्रसर हम लोग करते हैं। ये विषय था जो मैंने, जो प्रश्न जिज्ञासाएं आपके साथ साझी की थी, और उसमें आप लोगों के साथ, आप लोगों ने वो पढ़ाई है, इसलिए उसको मैं पढ़ने नहीं जा रहा। लेकिन आप अपनी संस्कृति में ये देखिए, पहले हम अपनी संस्कृति का पक्ष देख लें, फिर आगे की बातें सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि पाणिनि शिक्षा में अक्सर सभी लोग ये श्लोक पढ़ते ही हैं कि आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्नि माहन्ति स प्रेरयति मारुतम्। मारुतस् उरसी चरण मंद्रम जनयत स्वरम सोदीर्णो मूर्धन्य अभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णान जनयत तेषां विभागः पंचतः स्मृता। ये पाणिनि शिक्षा में अर्थ समझ लीजिए, संस्कृत को फिर बाद में देखते हैं, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण बात जो है, जो आपके और मेरे समझने वाली है, कि जब हम ये जानते हैं और वैज्ञानिक रूप से ये जानते हैं, पाणिनि की दृष्टि से ये जानते हैं कि बुद्धि के साथ आत्मा अर्थों को देखकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है, मन शारीरिक शक्ति पर दबाव डालता है जिससे वायु में प्रेरणा उत्पन्न होती है, प्रेरित वायु जिसे आप श्वास प्रश्वास कहते हैं चलती हुई कोमल ध्वनि को उत्पन्न करती है और पुनः बाहर की ओर जाकर तथा मुख के ऊपरी भाग से अवरुद्ध होकर वह वायु मुख में पहुंचती है, पंचधा विभक्त ध्वनियों को उत्पन्न करती है। तो ये पंचधा विभक्त ध्वनियां कौन सी हैं? ये वाणी की उत्पत्ति के लिए आत्मा अर्थात बुद्धि पक्ष से उसका एक पक्ष वो है, मन पक्ष है जिसे प्रेरणा पक्ष कहेंगे, वायु है जो कि संचरण निर्गमन दोनों तरफ से शारीरिक पक्ष से है। इस सारे को ग्रहण करके महर्षि पाणिनि ने अत्यंत वैज्ञानिक प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए तथ्य प्रतिपादन किया है। क्या किया है? ये आखिरी पंक्ति महत्वपूर्ण है जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मानसिक प्रत्यय ध्वनि के रूप में कैसे उत्पन्न होता है। ये महत्वपूर्ण पक्ष है इस सारे विषय को ध्यान में रखने के लिए। तो कम से कम हमारे व्याकरण शास्त्र और हमारे शिक्षा ग्रंथ और अन्य ग्रंथ इन बातों को बिल्कुल स्पष्ट करके रखते हैं कि ये सारी की सारी ध्वनियां उत्पन्न कैसे होती हैं, जिनका हम आकृति के साथ संबंध का विचार करने जा रहे हैं। अब इस विषय को थोड़ा सा और देख लीजिए कि जिन शब्दों, जिन वर्णों की हम बात करने जा रहे हैं उनका कितना महत्व है, और उनका महत्व आप कामधेनु तंत्र में पहले एक श्लोक का पक्ष देख सकते हैं जहां पे ये कहा गया है, मम कंठे स्थितम बीजम पंचाशत वर्ण मद्भुतम। वर्णों को इतना महत्व है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं मिलता कि इन वर्णों के तो दो रूप हैं, एक लिपिबद्ध है और एक ध्वनिबद्ध है, तो इन दोनों के संबंधों के ऊपर हमारे पास स्पष्टीकरण क्या है, ये किसी शास्त्र में मुझे अभी नहीं देखने को मिला। जबकि जो लिंग्विस्टिक्स के लोग हैं वो इसको यदृच्छा संबंध मान करके, बाई चांस होने वाला जो संबंध है उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं आगे चलकर हमें और क्या क्या सामग्री, सूचना सामग्री हमें उपलब्ध होती है। कि शिव कह रहे हैं कि मेरे गले में ये जो पंचाशत वर्ण है, अद्भुत पंचाशत वर्ण बीज रूप में उपस्थित हमें मिलते हैं। इसी तरह से त्रिपुर महिमन स्त्रोत्र में अगर आप देखें तो आपको एक श्लोक जो है 29वां श्लोक मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि मातृके अनेक प्रकार के सार्थक धातु अर्थ पद वाक्य और छंद को उत्पन्न करने वाले अनंत रूप में प्रसिद्ध कारण सहित अर्थ और कर्म फल देने वाले अपने शरीर से उत्पन्न 50 अक्षरों से सारे विश्व में व्याप्त होकर आप अहम अहम कहकर अपनी घोषणा करती हैं। यानी कि ये मातृका शब्द आप यहाँ देख पा रहे हैं कि शक्ति स्वरूपा है, और ये जो 50 अक्षर आपको देखने को मिलते हैं इन 50 अक्षरों से वो अपने आप की अभिव्यक्ति करती हैं, वही उनका स्वरूप है। तो भगवती का जो स्वरूप है मातृका रूप में वो इन 50 वर्णों से है। तो अगर ये 50 वर्णों का है तो इसका मतलब वो इरेशनल तो हो नहीं सकता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो और कारण में हमें ये देखना पड़ेगा
कि उनका जो ध्वनि पक्ष है और जो उनका लिपि पक्ष है वो कैसा है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि या तो आप उसको आर्बिट्री रिलेशनशिप समझ सकते हैं, जैसा कि हम लिंग्विस्टिक्स और बाकी साइंसेस में हैं, क्योंकि हम उसके पीछे की भाषा को और उसके विचार को से परिचित नहीं है, या हम उतने सूक्ष्म नहीं हुए, संवेदनशील नहीं हुए कि हम उस आर्बिट्रीनेस से आगे जा सकें। और दूसरा जो है वो आप जब तर्क को छोड़ देना चाहते हैं, बुद्धि को अधिक प्रयोग नहीं करना चाहते, तो आप गॉड गिवन रिलेशनशिप इसका स्वीकार कर सकते हैं कि ध्वनि और आकृति का अपना एक परमात्मा दिया हुआ, परमात्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक संबंध है। आप इसके साथ एक सूत्र और देखते हैं कि ज्ञानाधिष्ठानम मातृका, कि ये जो मातृका है, ये जो वर्ण है, मातृका शब्द वो ज्ञान का अधिष्ठान है। जब ऐसा भी सूत्र आपको मिल रहा है तो हम कैसे कहें कि इन वर्णों के अपने कोई अर्थ नहीं होंगे, और यदि अर्थ होंगे तो निश्चित रूप से वो ध्वनि भी होगी और आकृति भी होगी। इस बात को थोड़ा सा एक और, अब थोड़ा सा और आगे की ओर अग्रसर होते हुए मैं एक पक्ष और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये सवाल मेरे मन में बहुत देर से था, और उसमें जो विशेष एक समझ में नहीं आ रही थी बात, और फिर मैंने उसके लिए एक तुक्के के प्रयोग करने की कोशिश की। आप देखिए कि जितने भी देवनागरी के ये अक्षर हैं, इन अक्षरों में आपको ये दो चिन्ह मिलेंगे। प्रत्येक अक्षर में एक ऊपर इस तरह से रेखा और एक खड़ी रेखा जो है वो आपको लंबाकृति रेखा मिलती है, ठीक है ना। अ के ऊपर भी है और अ के इधर भी है, आ में भी आपको देखने को मिलती है, ल सभी में देखें। तो मैं ये सोच रहा था कि जब एक ध्वनि आकृति इस तरह की बनाई होगी तो ये ऊपर जो हम लगाते हैं, ये जो रेखा खींचते हैं, ये क्यों खींचते होंगे। तो उसके लिए मैंने केवल एक अपना तुक्का जो है वो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, लेकिन आप उसको बता सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं या उसको सुधार कर सकते हैं। ये केवल एक तुक्का है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद संभावना ये है कि क्योंकि ये सारे चेतना के प्रतिनिधि आकृतियां हैं, तो चेतना सीधे सीधे रूप में अभिव्यक्त नहीं हो सकती, तो ये जो रेखा है, ये जो सीधी रेखा है, ये केवल ये बताती है कि इससे नीचे सृष्टि का आरंभ होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है सीधी रेखा खींची जाती है। तो उन ऋषियों ने, उन दृष्टाओं ने ये देखा होगा कि क्योंकि सीधी जो चेतना है नीचे अवतरित नहीं होगी, उसका एक जो शुद्ध हाद्वा से अशुद्ध हाद्वा की ओर जब आते हैं, तो वहां से नीचे जो है वो सारी की सारी सृष्टि का आरंभ होता है, और उस सृष्टि में हमें इस तरह की आकृतियां देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर साथ ही मेरे मन में ये प्रश्न आया कि ये जो खड़ी रेखा है, ये खड़ी रेखा जो है ये क्या बताती होगी। तो मुझे लगा कि फिर जब ऊपर से नीचे की ओर चेतना का जो प्रवाह हुआ और सृष्टि बनने लगी, तो उसने जो एक विशेष पक्ष की ओर, यानी कि दाएं से बाएं की ओर जो है वो सारी की सारी सृष्टि की रचना हमें देखने को मिलती है, यानी कि ये इस दृष्टि से इस ओर चल रही है। आप सारी ये आकृतियों को देखें तो अगर ग है, घ है, च है, वो सारे के सारे किधर की ओर अग्रसर हैं, वो इस तरफ अग्रसर हैं, सारे के सारे इस तरफ चल रहे हैं। अब इसी तरह से दूसरी आकृति समूह में देखें, ये तो एक हो गया। इस आकृति समूह में जो खड़ी पड़ी रेखा है, जो लंबाकार ये रेखा है, इसके नीचे की ओर ही सारे के सारे आपको वर्ण दिखाई देते हैं और विभिन्न आकृतियों में दिखाई देते हैं। इसी तरह कुछ और आकृतियां आपको अलग अलग तरह की दिखाई देती हैं, ए ऊ और ए। तो मैंने इन आकृतियों को अलग जो है वो इनकी केवल आकृतियों के आधार पे ही इन वर्णों को इस तरह से 5 भागों में विभाजित करने की कोशिश की है कि हमें इस तरह से इनको थोड़ा सा देखना चाहिए और फिर इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि इस सारे विषय के ऊपर जो है वो व्याकरण शिक्षा और प्रातिशाख्यों में बहुत सारी बातें हो चुकी हुई हैं, लेकिन इस दृष्टि से भी केवल आकृति के ऊपर अगर हम फोकस करें, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें, तो हमें
क्या कुछ समझ में आती है बात या नहीं आती है, तो ये एक प्रश्न है। और जिसमें ये वाले जो रेखाओं का इसमें व्यवहार है वो हमें जरूर उसका कोई ना कोई व्याख्या करनी चाहिए। अगर हम मनुष्य हैं और हम मानवीय भाषा प्रयोग कर रहे हैं, वर्णों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम कैसे जो तर्कहीन कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने रैशनैलिटी पे भरोसा और विश्वास करते हैं। अब इसमें जो जिसकी मैंने शुरू में बात की थी नाद और बिंदु की, ये आप सभी जानते हैं जो तंत्र के साथ जुड़े हुए होंगे या अन्य आगम साधना तांत्रिक साधनों से जुड़े हुए लोग हैं, आप जानते हैं कि सहस्रार चक्र से पूर्व नीचे की ओर जो है वो आपको ये बिंदु दिखाई देता है। एक सेकेंड, कहाँ चला गया, ये आप देखते हैं कि ये बिंदु का जो चक्र है ये सहस्रार से कुछ नीचे लगभग पीनियल ग्लैंड की ओर आपको दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस तरह से ये दिखाई देता है, बिंदु विसर्ग से होता हुआ ये लगभग पीछे की ओर आपके आता है। तो इस स्थिति को अगर तांत्रिक लोग स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये स्वीकार करना होगा कि इन वर्णों के पीछे कोई ना कोई और अर्थ, गहरे अर्थ हैं जिनको अभी तक खोजा नहीं गया है और वो लिंग्विस्टिक्स का पार्ट नहीं बने हैं। अब ये जो रुचिकर चीजें हैं ये आप के साथ में शेयर करना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में, और उसके बाद आप लोगों से सीधी सीधी बात करते हैं। जब मैं इस सारे विषय पे विचार कर रहा था तो मुझे ये सारी बातें सूचनाएं ढूंढने पे मिल गई कि जो अवर्ण है उसका अष्टभुजा, उसका स्वरूप जो है, और उसका वर्ण क्या है, स्वर्ण वर्ण है, चतुर्मुख है, और उसका वाहन भी दिया हुआ है कूर्म वाहन। आप देखिए कि हम लोग कभी भी इस विषय में कभी हमने विचार करने की कोशिश नहीं की। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इसको वो धार्मिक विश्वास कह के अगर आप इसको दरकिनार करने की कोशिश करें तो वो आपकी बुद्धि की सीमा है, लेकिन अगर किन्हीं लोगों ने विचार पूर्वक इसको इस तरह का रूप दिया है कि आ को श्वेत वर्ण दिया है, उसको कमलासन दिया है, पाश हस्त दिया है, हस्ती उसका वाहन बनाया है, तो निश्चित रूप से उनके पीछे उनका कोई ना कोई विचार जरूर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने यादृच्छिक रूप से ये कर दिया हो। यादृच्छिक रूप से आप और मैं नहीं कर सकते, अभी तक नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। तो अगर इन लोगों ने इतना विचार पूर्वक ये सारा किया है तो मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर गंभीरता पूर्वक और धैर्य पूर्वक चर्चा करनी चाहिए। इकार है तो पीत वर्ण है, परशु धारिणी है, कच्छप उसका वाहन है। इसी तरह से ईकार जो है श्वेत वर्ण, मौक्तिक युक्ता और हंस वाहन है, आदि आदि ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। मुझे इसके विषय में कुछ ज्यादा बात नहीं कहनी। ये आगे के सारे वर्ण हैं। आप देखिए कि प्रत्येक वर्ण के उन्होंने वाहन भी दिए हुए हैं, उनका स्वरूप भी दिया हुआ है, उनका रंग भी दिया हुआ है, और उनका एक पूरे का पूरा परसोनिफाई करके उसका हाथ भुजाएं सब दिया हुआ है। अब इन केवल इतना ही नहीं है, उसके बाद वो वर्णों के प्रभाव की भी बात करते हैं। आप ये देखिए कि अकार किसके लिए प्रयोग होता है, मृत्यु बीज के, उसका प्रभाव है, आ आकर्षण बीज में है, ई पुष्टि बीज में है, ई आकर्षण बीज के रूप में है, उ बलदायक है, उच्चाटन है, सारे के सारे तो उन्होंने दे रखे हैं। थ जो है वो यम बीज है, द दुर्गा बीज के रूप में, ध सूर्य बीज के रूप में, यानी कि कितना उन्होंने कार्य किया होगा और कितने इसके पक्षों को देखा होगा और साक्षात्कार किया होगा जिससे उन्होंने इस तरह की शक्तियों को उनके साथ जोड़ा और इस तरह का स्वरूप दिया। ये वर्ण प्रभाव इसके हैं। और फिर केवल इतना ही नहीं है, फिर इन वर्णों के देवताओं को भी आपको इसकी भी सूचना मिलेगी, देवता शक्ति और रूप, और फिर उनकी शक्ति क्या है ये सारी। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक और तो आपको शिव के रूप मिलते हैं और दूसरी तरफ आपको विष्णु के रूप में भी ये वर्ण मिलते हैं। तो यानी कि इन वर्णों के दो भेद हो जाते हैं, एक जो शिव वर्ण है हो गए, वर्णों का एक शिव रूप है और एक विष्णु रूप है। और इस तरह से अगर आप जब देखने चलते हैं तो आपको ये नीलकंठ और पूर्णोदरी अनंत और इस तरह के, ये थोड़ा सा अस्पष्ट है, लेकिन जैसे कि रिकार है ये क्या है, भावमूर्ति है और सुदीर्घ मुखी है, लेकिन विष्णु के रूप में क्या है, त्रिविक्रम है और क्रिया रूप है।
ठीक है। इसी तरह जो है वो और सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये मैं सारी स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, साझी कर दूंगा, यदि आप लोगों की इस विषय को थोड़ा सा अगर आप और इसका विस्तार और व्याख्या कर सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ण आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे उपलब्ध हैं, और इनके सारे के सारे जो हैं वो रूप उपलब्ध हैं। इधर वाले जो हैं वो सारे के सारे शिव वर्ण के रूप में हैं, और इधर वाले जो जितने भी रूप आप देखेंगे वो सारे के सारे वैष्णव वर्णों के रूप में व्याख्यायित हैं। अब इन केवल वर्णों का और भी इसमें रुचिकर बात है जानने और देखने वाली, वो है कि ये वर्ण क्या है, इन वर्णों के ऋषि भी हैं और इन वर्णों के छंद भी हैं। अ आ का जो है अर्जुन न्यायन, ये ऋषि है और छंद मध्या है। भार्गव ऋषि है, ई ई ई और ई कार के, और उसका छंद प्रतिष्ठा है, आदि आदि। हालांकि मैं नहीं जानता इन सारे का क्या अर्थ होगा, जिसकी वजह से ये आज हमने चर्चा रखी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ठ का जो है वो ऋषि कौन है, सौमनस्य ऋषि है, और जो उसका छंद है वो ऋषि छंद है। तो इस तरह से धृति छंद है, सॉरी। इसी तरह से और आप देखिए कि कितना काम लोगों ने किया हुआ था कि इनको वर्ग है, स्वर वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ये सामान्य रूप से आप व्याकरण में पढ़ते हैं, लेकिन उनके अपने ग्रह भी हैं। स्वर वर्ग के ग्रह कौन से हैं, सूर्य है, कवर्ग के मंगल, चवर्ग के शुक्र, टवर्ग के बुध, तवर्ग के गुरु, और पवर्ग के शनि, और य वर्ग के चंद्रमा। अब इनका इनसे क्या संबंध है, क्यों ये रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, क्यों ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि इस विषय को थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बात यही नहीं समाप्त हो जाती, ये बात आगे चल के उनकी राशियों पे भी चली जाती है कि अ आ ई ई की मेष राशि, उ और री की वृष राशि, री लरी लरी की मिथुन राशि, आदि आदि, ये सारी राशियां यहाँ दी हुई है। और फिर केवल राशि ही नहीं है, उसके बाद उनके नक्षत्र भी दे रखे हैं कि इस तरह से किसका अश्विनी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है, कृतिका और रोहिणी नक्षत्र आदि हैं। ये सारे के सारे आगे सारे नक्षत्र दे रखे हैं। और केवल इतना ही नहीं है, फिर इसके बाद फर्दर एक डिवीजन और उन्होंने किया हुआ है वर्णों का। वो वर्णों का क्या है कि वायु वर्ग के वर्ण, अग्नि वर्ण के, भूमि के, और जल वर्ण और व्योम वर्ग। तो इन वर्णों का ये पंच महाभूतों में भी उन्होंने जो है वो विभाजन कर रखा है। तो ये कैसे मैं मान लूं कि इन वर्णों का कोई अर्थ नहीं होगा, इनकी ध्वनि का कोई तात्पर्य जो है वो प्रयोजन नहीं होगा, और आगे जो है उनकी आकृति से उसका कोई संबंध नहीं होगा, जब इतना बल दिया जा रहा है, इतना सूक्ष्म काम किया जा रहा है, इतने विभाजन किए जा रहे हैं। तो उन लोगों को तो निश्चित रूप से इस ध्वनि और इनकी आकृतियों के मनोविज्ञान भी पता होगा, समाज विज्ञान भी पता होगा, दर्शन भी पता ही होगा, जो हमें आज नहीं पता है, और हम आज एक छोटा सा प्रयास इस विषय पे कर रहे हैं। अब वहां से निकलकर हम सीधे जो है वो आ जाते हैं डिवाइन लाइफ के ऊपर, श्री अरविंद की। वहां पर आप देखें तो आपको ये पोइट्री में मिलते हैं, वी मस्ट फिल, यहाँ से आपको कुछ सूत्र मिलेंगे, और आगे चल के ये सूत्र बड़े स्पष्ट रूप में मैं आपके साथ साझा करूंगा लगभग 2-3 मिनट में, और फिर आप इसके ऊपर सीधी सीधी बात अपनी अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। वी मस्ट फिल द इमेंस लैकुना वी हैव मेड, री वेड द क्लोज्ड फाइनाइट लोनली कंसोनेंट विद द ओपन वोवल्स ऑफ इंफिनिटी, ए हाइफन मस्ट कनेक्ट मैटर एंड माइंड, द नैरो Isthmus of ascending soul, we must renew the secret bond in things. कितनी important बात, कितनी महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं। Our hearts recall the lost divine idea, reconstitute the perfect word, unite the alpha and omega in one sound. Then shall the spirit and nature be at one. Two are the ends of mysterious plans. ये यहाँ से मुझे कुछ सूत्र मिलने लगे थे, और ये उनके आपको एक आर्टिकल भी देखने को मिल जाएगा जहां पर वो इन सारे विषयों के बारे में बात कहते हैं। द रूट सेंस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय द एलिमेंट्स थ्रू विच इट हैज पास्ड, एंड दीज डिटरमिन द भाव
और जनरल सेंसेशन इट क्रिएट्स इन द माइंड एंड फॉर्म दैट सेंसेशन डेवलप इट्स वेरियस प्रिसाइज मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्म विच इट इज यूज टू क्रिएट। तो जब अरविंद ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो बात और भी गंभीर हो जाती है कि हम इसको उचित रूप से समझने की कोशिश करें। वो इसी विषय में और आगे कहते हैं इस बात को स्पष्ट करते हुए, द बिल्डिंग ब्लॉक्स एलिमेंट्री पार्ट्स ऑफ सेंसेस आर सिक्स इन नंबर, बीइंग मोशन कॉन्टेक्ट साउंड फॉर्म एंड एक्शन। चलिए मैं बाकी नहीं पढ़ रहा, लेकिन आप ये देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आपको श्री अरविंद के ग्रंथों में मिलेगा, वो इन बातों के, इन वर्णों के अर्थों को दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ये अवर्ण जो है वो किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसका अर्थ क्या है, एब्सोल्यूट एक्जिस्टेंस। इकार क्या है, रिलेटिव एग्जिस्टेंस। उकार क्या है, परवेसिव कंटेंड और प्रोग्रेसिव एग्जिस्टेंस। क क्या है, पोजेशन मास्टरी क्रिएशन एक्शन। ख क्या है, अटैक इन्वेजन इंसिस्टेंस एट्रीशन एंड डिट्रीशन। इसी तरह से ये सारे के सारे वर्ण आपको वहां में मिल सकते हैं, मुझे सारे के सारे वर्णों को बताने की जरूरत नहीं है, आप वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं भी शेयर कर दूंगा। अब तकार जो है वो क्या है, टच इम्पैक्ट लाइटर देन। इसी तरह से ये बाकी सारे के सारे वर्ण आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वहां अगर अरविंद इन सारे वर्णों के अर्थों को बता सकते हैं कि इनकी आकृतियों के ये अर्थ हैं, तो निश्चित रूप से हमें दोबारा से अपने ज्ञान की सीमाओं को विश्लेषित करना चाहिए। बात को पूरा करते हुए अब आप यहाँ भी देखें कि अक्सर तंत्र साधना में श्री यंत्र का बहुत अधिक प्रयोग होता है, और जितने भी यंत्र हैं उनमें इन सभी वर्णों को इस तरह से प्रयोग किया जाता है। कितना बल है, लेकिन हमने इन वर्णों की ओर कभी ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया कि इन वर्णों का हम बार बार इस तरह से प्रयोग क्यों कर रहे हैं, और कौन सी दिशा दे रहे हैं, और किस स्थिति में उनको रख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी कोई ना कोई एनर्जी, उनकी उस तरह की आकृति हमारे ऊपर, हमारे आसपास के वातावरण पर वो प्रभाव डालती है, हमारी शारीरिक शक्तियों पर और हमारे आसपास के वातावरण को वो प्रभावित करती हैं। तो ये भी एक विचार करने की बात है। ये आपको और इस तरह के कई यंत्र मिलते हैं जहां पर ये जो है मातृका चक्र आपको देखने को मिलता है। तो ये क्यों वो कर रहे हैं, क्यों इतना उनका बल है इन वर्णों के ऊपर, भाषा के ऊपर। तो सारे जो जितने भी विद्वान हैं, हम सभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भाषा के ऊपर अधिक बल देते हैं, लेकिन वर्णों के पीछे दर्शन क्या है, वर्णों के पीछे अर्थ क्या है, उनका क्या उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि रही होगी, वो समाज के कौन से मनोविज्ञान को स्पष्ट करते हैं, वो हमें उन वृत्तियों को देखना और समझना चाहिए। इसी तरह से अंग्रेजी का भी आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में ये जो आप अल्फा बीटा और ये हैं, जिसको आज आजकल ए बी सी डी आप कहते हैं, उनका बेसिकली जो है वो आपको ये रूप देखने को मिलते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो मेरे पास जानकारी थी, मेरी जो सीमित बुद्धि में जो कुछ मुझे मिल पाया, जिस पर मैं आप लोगों की राय जानना चाहता था, और अपनी दृष्टि का विस्तार के लिए मैंने ये जब आप लोगों को आमंत्रित किया है, तो निश्चित रूप से अगर आप इस विषय पे कोई और दिशा निर्देश दे सकते हैं कि इस विषय को हम कैसे समझें, कैसे इसको अप्रोच करें, कैसे इन वर्णों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो हम विस्तार में देखें, और इससे क्या हम इसका कोई हम और उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो सारी बातें आप सभी के सामने अब जो है वो हाउस खुला है, प्लेटफॉर्म ओपन है, आप लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं, और चाहें तो सबसे पहले तो आप प्रश्न को ही परिभाषित कर सकते हैं। अगर इसको रिफाइन करने की जरूरत है, इन दोनों प्रश्नों का संस्कार करने की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि पहले हम उसका संस्कार कर लें, और साथ ही साथ वर्णों की आकृतियों पर और वर्णों की ध्वनियों के आपसी संबंध पर, उनके मनोविज्ञान पे, उनके दार्शनिक स्थिति पर हम टिप्पणी कर सकते हैं। तो यदि किसी का कोई है तो मैं चाहूँगा कि वो इस विषय के ऊपर ज़रूर हमारे साथ बात साझा करें। हालांकि क्योंकि ये विषय इतना व्यापक होता जा रहा था, तो मुझे भी प्रस्तुत करने में थोड़ी कठिनाई हुई, हालांकि पावर पॉइंट होने से मैं पावर पॉइंट बनाता इसीलिए हूँ ताकि जो है वो विचार
सीधा रहे, सटीक रहे और भाषा में भी जो है वो अस्वच्छता ना आए। लेकिन ये विषय कुछ इस तरह का था जो सामान्य रूप से मैंने कभी किसी को चर्चा करते हुए नहीं देखा, इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए मेरे में भी कुछ अस्वच्छता और असंगतता की मात्रा रही है। लेकिन फिर भी जो मैं कहना चाहता था वो आप सब लोग विद्वान हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो आप लोग इस विषय में अपनी अपनी राय दे सकते हैं, इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगता है। हाँ मैडम इंदु जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। विषय बहुत क्लिष्ट और बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन मैं सिर्फ एक जानकारी है ना आपको देना चाहूंगी कि जो विद्या वाचस्पति पति जी है, मधुसूदन ओझा जी, इन्होंने लिखा है वर्ण समीक्षा करके पुस्तक लिखी है। इन्होंने मातृका के अनुसार इसको विभाजन किया है, जैसे आप षोडश मातृका बोल रहे हैं, मैंने पूरा नहीं पढ़ा इसको, और षोडश मातृका सिद्ध कुंज का स्त्रोत में भी है ना, उसमें अक्षरों को लेते हैं और उसका बीज मंत्र भी निकलते हैं, और जिसे अम कम लम शम फट स्वाहा जैसे करते हैं, तो वास्तव में इसका कोई ना कोई संबंध तो है, क्योंकि एक अक्षर जो बीज मंत्र बन जाता है, हुम बोलते ही वो हनुमान का होता है, क्रीम बोलते ही कालिका का होता है, तो कहीं ना कहीं इसका आध्यात्मिकता से तो बहुत ज्यादा गहन संबंध है। और इसमें जो माहेश्वरी सूत्र है, कहते हैं कि शिव के डमरू से निकले थे, और जब शास्त्रार्थ किया गया था शिव ने और अन्य लोगों से, ऐसी कोई अंतर कथा है जिसमें शिव फिर वेदों का ज्ञान देते हैं, तो मुझे लगता है कि उस समय शायद इन शब्दों के देवता, वाहन और नक्षत्र का निर्माण भी हुआ होगा, ऐसा मैं कल्पना से ही बोल रही हूँ, है ना जी, जी, तो मेरा तो यही है, लेकिन मेरे को ये जानकारी देनी थी कि वर्ण समीक्षा करके लिखी है मधुसूदन ओझा जी ने, वो संस्कृत में है अंदर तो उसकी व्याख्या, और लेकिन उसे प्रभाकर शास्त्री जी ने अपने उसमें लिखा था मृत्यु प्राण उनके, तो उसमें भी काफी जानकारी है, लेकिन उन्होंने षोडश मातृका से ही उसका ना वर्णन किया है, अलग अलग उसमें लिख के दिया है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा उसको, बहुत सारांश में पढ़ा था उसको जब आपका ये था सेमिनार, तो तब देखा था। चलिए ये अच्छी सूचना आपने दी, इस पुस्तक को भी हम देखते हैं। चलो इसको मैं ढूंढता हूँ। डॉक्टर आनंद जी, अगर आप कोई टिप्पणी इस पे करना चाहेंगे। यस, एम आई ऑडिबल? यस यस। हाँ नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, वन और टू पॉइंट्स आई लाइक टू मेक। एक है कि मराठी जो लिपि है देवनागरी, इसमें अनेक जो अक्षर है दे रिसेम्बल अवर बॉडी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक ळ फॉर एग्जाम्पल, आईज, इट इज रिसेम्बलिंग आईज, ईयर, द कान, इट इज रिसेम्बलिंग ईयर्स, एंड दिस इज नॉट मियर कोइंसिडेंस, श्री ये अक्षर कोई भी लिपि में नहीं है बेसिकली, इट इज अ सेपरेट अक्षर। आप तमिल लीजिए, आप मराठी लीजिए, आप संस्कृत लीजिए, देवनागरी लीजिए या ब्राह्मी लीजिए, तो ब्राह्मी की इंटरेस्टिंग चीज ऐसी है कि ब्राह्मी में जो श्री लिखा जाता है दैट इज एग्जैक्टली द पोजिशन ऑफ अवर माउथ वेन वी आर सेइंग श्री। जी जी जी, जैसे जिस तरह से श्री बोलते हैं अपनी जुबान और अपनी अपना चेहरा जो होता है उसका क्रॉस सेक्शन अगर ले तो वो ब्राह्मी लिपि की श्री को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये आकार उसका जो उच्चार था, साउंड था, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये अच्छी बात बताई, रुचिकर है ये, और हाँ इस दृष्टि से इसको जरूर मुझे लगता है देखना चाहिए हमें, ये तो वाकई रुचिकर बात है कि अगर इन वर्णों के, और ये जब न्यास करते हैं तो हम सारे अंगों में न्यास वर्णों का करते ही हैं, और कौन से वर्ण का न्यास कहाँ पे करना होता है, तो निश्चित रूप से इस दृष्टि से करें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा, इसको देखते हैं। अच्छी रुचिकर बात आपने बताई है।
जी डॉक्टर विनय सिंघल जी, सर नमस्कार। सर नमस्कार। बहुत सारा ज्ञान मिस किया मैंने इतने साल टाइम से, और आज हमने ज्वाइन किया है तो ये नया विषय लगा। सर के बात सुन रहे थे आपके जो नाद बिंदु वाले, इन दिनों एक कोई क्लासेस ज्वाइन की हुई है मैंने। एक जी तो थोड़ी सा लीवर में इन्फेक्शन चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि आप वज्रासन में बैठ करके रम शब्द का उच्चारण करेंगे। तो रम जो जी है वो, जैसे डॉक्टर आनंद की ही बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, उनका कि जो जी रम है जो उस लीवर जो है उसके आकार का है, और रम शब्द से वो इस पर प्रभाव डालता है, इस पर दबाव बनाता है। एक तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं बड़ी रिकवरी की ओर थी। मैं नहीं जानती कि वो क्या कितना उसमें था, लेकिन मेरा विश्वास था। सेकेंडली जो एक और जो चर्चा चल रही है आजकल, कि जैसे ओम शब्द पे चर्चा चल रही थी, तो ओम में इतनी शक्ति है कि हम अपने आप को तरंगों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये इस ग्रंथ का भी उन्होंने चर्चा नहीं किया, लेकिन हम लोग अपनी वेव अपने आप को तरंगों में परिवर्तित करके अन्य लोक में जाकर के फिर पुनः शरीर को धारण कर सकते हैं। मैं इस पर भी बात करना चाहती थी कि क्या वर्ण में सच में इतनी शक्ति है कि हम तरंगित हो जाएं और फिर पुनः प्रकट हो जाएं। हाँ, ये बात तो ठीक है, और चलो आपने भी ये बात कर ली है। इतना तो निश्चित है कि जब आप महाप्राण ध्वनियां बोलते हैं, अगर आप उनके स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से देखें, तो महाप्राण ध्वनियां तो तुरंत आप में कई तरह के स्पंदन पैदा कर देती हैं, और जितनी भी अनावश्यक आपके कायिक और आणविक मल आदि आदि होते हैं, ये सारे के सारे उसमें से झड़ जाते हैं। झड़ तो जब जाते आप हैं। भम भम करते हैं या आप र का अग्नि वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपनी तरह के स्पंदन पैदा करते हैं। तो वो बॉडी में जो एनर्जी इम्बैलेंस है उसको वो ठीक करने में बड़े सहायक होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बात मुझे भी ध्यान नहीं आई, और आपने और डॉक्टर आनंद दोनों ने इस ओर ध्यान खींचा है कि शरीर के जो अवयव हैं उनके अनुसार इन वर्णों के निर्माण का एक आकृति निर्माण का एक एक संभावना आपने जो दी है वो वाकई रुचिकर है। तो अगर वो आंखों के दृष्टि से, कानों की दृष्टि से अगर इस तरह के हैं तो बहुत संभावित है। अब ल जो है वो ल ड़, ये हो सकता है श्रोत इंद्रिय की दृष्टि से बने हुए हों, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनका पीछे कोई ना कोई एक दृष्टि तो है, आधार तो है कि ये ऐसे ही नहीं बना दिए गए, कुछ देख करके कुछ समानताओं के आधार पे इन वर्णों का निर्माण किया गया। ये बात तो ठीक है, ये आपने, अच्छा आपने और डॉक्टर आनंद ने बताया। सर और ये तो किसी की अभी कोई, अभी का एक अभी हाँ अभी जी का अनुभूत है, ये इसी मंथ का। तो मेरा ये बड़ा, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं इस टॉपिक को रखूं, हाँ जी इस बात को हाँ रखूं। तो जी सर, हाँ नहीं, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जी मुझे बड़ा संदेह था कि इस विषय के ऊपर कोई बात करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स वाले भी इस स्तर पे नहीं जाते और इस तरह की बात को वो नहीं करते। वो केवल भाषाओं की समानता और उनके उच्चारण आदि पे रुकते हैं, लेकिन वो वैसा उच्चारण क्या-क्या प्रभाव डालता है, और फिर वो उनका मतलब वो ध्वनियां क्यों किसी समाज ने स्वीकार की होंगी। आपके और मेरे कहने पे तो कोई शब्द भी कोई नहीं स्वीकार करता, नहीं स्वीकार करते। तो फिर इसका मतलब है जिन भी लोगों ने इन ध्वनियों का और इन आकृतियों का निर्माण किया, उसको समाज ने अगर स्वीकार किया है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे एक सामाजिक दर्शन तो जरूर रहा होगा। तो कम से कम भारत में तो कुछ भी बिना अर्थ के तो नहीं होता, बिना प्रयोजन के तो नहीं होता, विश्व में भी कहीं नहीं होता। तो लेकिन हाँ, वो हमारी दृष्टि से ओझल है, तो ये बात तो स्पष्ट हो रही है, ये तो समझ में आई बात। तो और किसी की कोई टिप्पणी हो तो, कोई और इस विषय पे कोई कोई और पक्ष हमारे सामने रखना चाहता हो कि इस सारे विषय को, या ये भी आप कह सकते हैं कि ये विषय ही नहीं बनता क्योंकि मेरे, हाँ, जी मैं कुछ बोलूँ और जी 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 हाँ जी इन एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि इन द जी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, ऑल द जी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, एवरीथिंग इज डिफरेंट
बट एट द सेम टाइम नंबर्स इन नंबर्स द नंबर सिक्स रिमेन्स द सेम अक्रॉस सिक्स साउथ इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग सिंहला. अच्छा, तो षट के लिए जो है षडानन या कार्तिकेय द वर्ड इज सेम इन ऑल फाइव लैंग्वेजेस एंड दैट डज नॉट सीम टू बी कोइंसिडेंस बिकॉज ऑल अदर वर्ड्स नंबर वर्ड्स आर डिफरेंट एंड इन ऑल दिस एरिया कार्तिकेय इज द प्राइम डीटी. कार्तिकेय और षडानन इज अ प्राइम डीटी और वही अक्षर वही रहना वही नंबर सेम रहना अलग अलग लिपियों में इज अनदर कोइंसिडेंस. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू सी बिकॉज एज वी हैड डिस्कस लास्ट टाइम दैट इवन द प्योर साउंड ऑफ डॉग बार्किंग इज इंटरप्रिटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल. बिल्कुल बिल्कुल. सो अगर वो हो सकता है तो जो लिपि है उसमें भी अलग अलग फर्क होना with time is quite likely. So we need to go to the nirukta or the root of it, which could be maybe Brahmi could be one of the languages where we need to look at for the root itself because that seems to be the oldest lipi that is available to us as of now. जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अब ये भी बड़ी रुचिकर बात है कि भी इस तरह से ये समानता जो है वो अपने आप में एक वर्णों की समानता भी अपने आप में एक बड़ा आश्चर्यकारी चर्चा का विषय है. तो जी अक्षय जी. आचार्य नमस्कार. आपने बताया प्रश्न पूछा ये वर्ण और अर्थ का कोई संबंध नहीं है ऐसा कोई बताएंगे तो मैं वो बताना चाहता हूँ. जी यहाँ पे जो जॉन लॉक और उसके बाद में जो बर्लिन में जो फिलोसोफर्स आया था 300 साल पहले उनका कहना है भाषा दो समय में है. एक तो बिब्लिकल समय में जो एडम जो बात कर रहा था वो और पोस्ट बिब्लिकल जो ईव फल खाने के बाद सब भूल गई है और भाषा भी भूल गई है. उसके बाद वो बोलते हैं टावर ऑफ बेबल मतलब कई सारे भाषा आ गया. इसका मतलब है शब्द और पदार्थ का कोई संबंध नहीं है. सब सिंबॉलिक है और रैंडम है और मतलब केवल रिप्रेजेंटेटिव है. इसका अर्थ है लेटर्स और ऑब्जेक्ट्स का भी कोई संबंध नहीं है. इसलिए उन्होंने सारे फिलोसोफर्स ने मतलब अधिकतर ज्योमेट्री और रीजनिंग के बारे में लिखा भाषा के बारे में कोई नहीं लिखा. और यूरोप में जो भी युद्ध हुआ है फ्रेंच के बीच में जर्मनी के बीच में वो एक कारण भी था भाषा के कारण. उनका मूल संकट है यदि कोई बता दिया तो जैसे कांट से सब डिफाइन किया एथिक्स क्या है रिलीजन क्या है फिलोसफी क्या है मैथ्स क्या है वो है सब डिफाइन किया भाषा को डिफाइन नहीं किया. इसलिए क्योंकि कौन सी भाषा प्रामाणिक भाषा ग्रीक नहीं ग्रीक तो वो गॉड्स का भाषा था. लैटिन वो भी गॉड्स का भाषा था. हिब्रू तो ज्यूस का भाषा. यदि ज्यूस को स्वीकार कर दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा. जी जी. और जर्मन तो मतलब वो क्या आदि मतलब पता है अब जर्मन कैसे था मतलब 2000 पहले कुछ भी नहीं था वहां पे. फ्रेंच भी कुछ भी नहीं था. अंग्रेज तो मतलब बात ही छोड़ दीजिए. इसलिए उन्होंने उन भाषा को डिफाइन नहीं किया. जो उसका पहली क्रिटिक आया जो क्रिटिक पुस्तक लिखने के बाद एक बंदा ने उसको रिव्यू किया मेटा क्रिटिक रिव्यूअर का मतलब टिप्पणी का नाम है. उन्होंने बताया कांट तो पूरा डिफाइन कर दिया जो भी है फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स सब डिफाइन कर दिया भाषा का छोड़कर. क्योंकि कांट भी अंदर के अंदर प्रोटेस्टेंट है ऊपर दिखता है फिलोसोफर है नहीं वो हार्डकोर प्रोटेस्टेंट है और सबके सब प्रोटेस्टेंट है एक्सेप्ट चार्ल्स डार्विन जो रिवोल्यूशनरी थ्योरी दिया. डार्विन भी भाषा के ऊपर शुरुआत में नहीं बात किया अंतिम अंतिम में बात किया. तभी ये कहना चाहता हूँ जो भी फिलोसोफर्स हैं यूरोप में और साइंटिस्ट और जितना भी है वो सब हार्डकोर प्रोटेस्टेंट्स है. एंड प्रोटेस्टेंट मतलब नॉट रिलीजन वाइज
उनको प्रोटेस्टेंट के अंदर जो था, इट वॉज गाइडिंग देयर रिसर्च वर्क और राइटिंग वर्क, इट्स नॉट सम रैंडम। इसलिए कोई बताया कौन फिलासफर है, तो नहीं ने बोलता नहीं वो फिलासफर नहीं, वो थियोलॉजी ने थोड़ा फिलोसफी काम किया है, ठीक है वो अच्छा है। अच्छा ठीक और है। जितना आप जितना भी नाम लिए, अभी तक यही समस्या है उनका, दे आर अनेबल टू कम आउट ऑफ द प्रोटेस्टेंट ट्रैप। ओके ठीक ये है धन्यवाद, आप समय दिया ठीक मुझे। है। हाँ ये भी बात पक्ष ठीक है आपका, और उन लोगों के लिए तो ये एट रैंडम ही है सारी बातें, लेकिन हमारे लिए तो ये एक जीवंत चेतना है, ये तो चेतना का विषय है, तो इसलिए हम इसको ऐसे एक झटके में अस्वीकार नहीं कर सकते इन संबंधों को। तो इसीलिए इस सारे विषय के ऊपर चर्चा रखी थी कि यदि हम हमारे लिए वर्ण जो है वो चेतना की अभिव्यक्तियां हैं, तो चेतना जो है वो अनर्थक कैसे हो सकती है। और जैसा कि मैंने कहा कि उसमें सौंदर्य पक्ष तो सामने हमें दिखाई देता है कि हर वर्ण में अपनी तरह का एक सौंदर्य है, अपनी तरह का उसमें एक बैलेंस आपको दिखाई देता है, वो ऐसा एट रैंडम बने हुए नहीं है। तो अगर उनमें कोई पैटर्न हमें दिखाई देता है, पैटर्न है और ब्यूटी है, तो फिर इसका मतलब है कि वहां पर कुछ ना कुछ जो हमारी दृष्टि से ओझल है, हमारी बुद्धियां उतनी सूक्ष्म नहीं हो पा रही हैं कि जो उनके पीछे के इस सारे विचार को देख सकें, सारा दर्शन देख पाएं। तो निश्चित रूप से इस विषय को हमें और भी विद्वानों के साथ चर्चा करनी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इनका आपस का संबंध और इसका जो अर्थ है वो क्या हो सकता है। तो बात समाप्त करने से पहले आप जी जी आनंद जी क्या जी हाँ, देर इज अ पैसेज इन बाइबल अबाउट द जी टावर ऑफ बैबल दैट इट इज सेड दैट बिफोर द टावर ऑफ बैबल द कम्युनिकेशन वॉज सो स्मूथ, सो क्लियर एंड सो ट्रांसपेरेंट दैट द ह्यूमन ह्यूमन काइंड वॉज ग्रोइंग एंड प्रॉस्परिंग रैपिडली, विच बिल्कुल वॉज नॉट लाइक एंड देयर लैंग्वेज वॉज मिक्सड एंड द टावर ऑफ बाइबल वॉज बॉर्न। सो द ओके बिकॉज द लैंग्वेजेस वेयर डिफरेंट द कम्युनिकेशन सीज्ड और मिसकम्युनिकेशन इंक्रीज एंड देन द फाइट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, वॉर स्टार्टेड है इंक्रीजिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यहाँ पे अपने को ये दिखता है कि हम लोग भाषा को कम्युनिकेशन का मीडियम समझते हैं, बट इन अ वे इट इज अ मीडियम विच इज सो डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट। फ्रॉम वन लैंग्वेज यू कैन नॉट रियली कम्युनिकेट टू अनदर लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ ब्रिज, ब्रिज होता है, पुल होता है, तो पुल कैसा है, तो हम लोग हिंदी में बोलेंगे पुल अच्छा है, जबकि जर्मन आदमी बोलेगा पुल सुंदर है, और स्पैनिश आदमी बोलेगा कि पुल मजबूत है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पैनिश में पुल के लिए जो शब्द है वो पुल्लिंगी है, मस्कुलाइन है, वेर एज इन जर्मन इट इज फेमिनाइन, एंड एंड इन हिंदी इट इज न्यूट्रल। सो विद अ फेमिनाइन वर्ड वी अटैच फेमिनाइन एनर्जी, विद अ मस्कुलाइन वर्ड वी अटैच मस्कुलाइन एनर्जी। मगर यहाँ पे संस्कृत की अलगाव, संस्कृत का अलगाव समझ में आता है कि जैसे किरण है कि सूर्य की किरण होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, जबकि किरण और प्रकाश समानार्थी शब्द है। तो अपने यहाँ हम लोग देखेंगे कि सेम प्रकाश है, उसको अलग अलग दिन में अलग अलग मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, पुष, हिरण्यगर्भ, मरीच, आदित्य, एक ही सूर्य को हम लोग 12 अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग लिंग से जानते हैं, अलग अलग वर्ण से जानते हैं। सो वी हैव गॉट मच बिगर, मच बेटर वोकैबुलरी बिल्कुल टू एक्सप्लेन समथिंग। जैसे ज्ञानेश्वरी में एक उदाहरण देने के लिए, एक एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए श्री ज्ञानेश्वर ने 700 एग्जाम्पल्स दिए हैं, 700 एग्जाम्पल्स। द रीजन इज ही न्यू दैट लैंग्वेज हैज गॉट अ लिमिटेड एप्लीकेशन, दैट्स व्हाई द एग्जाम्पल्स विल बी मिस इंटरप्रिटेड। सो व्हेन आई गिव 700 एग्जाम्पल्स, एटलीस्ट वन एग्जाम्पल विल कनेक्ट टू यू, ओके, दैट बींग द आइडिया। एंड वॉट आई बिलीव हियर इज दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ संस्कृत।
जिसको हम लोग देव भाषा ऐसे ही नहीं बोलते, आई मीन यू नो दिस मच मच बेटर देन आई डू, बट उसे ऐसे ही नहीं बोलते. दीज आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द लैंग्वेज विच आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ साउंड और दैट काइंड ऑफ एटमोस्फियर और दैट काइंड ऑफ थिंग फॉर द. एंड नाउ कमिंग बैक टू अवर फिलोसॉफिकल प्रमाण, ओनली द फर्स्ट प्रमाण इज शब्द विच इज द लैंग्वेज, देन कम्स द अनुपलब्धि अर्थपत्ति अनुमान एंड टॉप इज प्रत्यक्ष. सो लैंग्वेज इज कंसिडर्ड ओनली एज अ स्टार्टिंग मीडियम एंड देन वी आर कमिंग टू साइंस मैथमेटिक्स अनुमान दैट इज स्टैटिस्टिक्स मे बी एंड देन टू प्रत्यक्ष विच इज द अनुभव. So this is the way I believe we need to approach a language. Language as that represents culture, language that represents the starting point for our journey into the depth of the subject. Right. ये आपने अच्छी और सूचना हमें दी और अच्छा सारे विषय का विस्तार दिया है. तो इस दृष्टि से भी सारे विषय को फिर दोबारा किसी वक्त देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है कि हम वर्ण की जो ध्वनि है और जो उसकी आकृति है उनके संबंध के ऊपर मैं चाहता हूँ कि कोई अगर टिप्पणी कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा. सर इसमें जैसे कि संस्कृत भाषा के अंदर बीज मंत्र हैं और चक्रों के भी मंत्र हैं, तो उस मंत्रों के बीज मंत्र बोलने से ही चक्र जागृत हो जाते हैं, है ना. तो इसमें कोई ना कोई ऊर्जा तो है उच्चारण वर्ण और ध्वनि से, कि हमारे शरीर की संरचना का भी कोई संबंध है और ब्रह्मांड का भी कोई संबंध है. क्योंकि जैसे मैडम ने बोला कि एक शब्द का उन्होंने उच्चारण किया, उनका मेडिकल रिपोर्ट सही आई, तो ये कोई ना कोई वैज्ञानिकता तो है. जी जी, ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन इसको थोड़ा सा और गहरे भीतर समझने की जरूरत है कि इसका हम मतलब एक स्पष्ट रूप से प्रतिपादन कैसे करें. ये तो कुछ तो है, ये तो हमें भी समझ में आ रहा है कि कोई संबंध तो है, लेकिन वो संबंध कैसे है, उसके स्पष्टीकरण कैसे करें, ये प्रश्न है. कि भी ध्वनि और आकृति ये तो हम जानते ही हैं, नाद और बिंदु जिसको आप कह रहे हैं, क्योंकि आकृति क्या होती है, बिंदुओं से बनती है आकृति. जो भी रेखा बनेगी रेखा का ही विस्तार है सारा का सारा, तो बिंदुओं से अगर वो विस्तार बनता है तो उसके साथ नाद की हम उपासना करते हैं, बिंदु की उपासना करते हैं, तो दोनों का संबंध कैसे स्पष्ट हो. तो मुझे लगता है अगर हमें ये दोनों शब्द ठीक से पकड़ में आ जाएं तो हम ध्वनि और वर्ण आकृति के जो हैं वो इस बुद्धि को सुलझा सकते हैं, इस मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं. लेकिन उसके लिए फिर हमें नाद और बिंदु के ऊपर एक विस्तार पूर्वक गहरी चर्चा करनी होगी, ताकि हम, क्योंकि ये फिर बात वही आती है कि जैसा मैं शुरू में कह रहा था कि ये हमारे सामूहिक चेतना के प्रतिनिधि हैं, वर्ण हमारी सामूहिक चेतना के प्रतिनिधि हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं. तो जब तक कि हम उनको डिकोड नहीं करते तो मुझे लगता है कि इस तरह की हमारी अटकन बनी रहेगी. तो कोशिश करेंगे दोबारा इसके ऊपर कोई ना कोई और स्पष्टीकरण करके, थोड़ा सा शोध करके फिर और देखते हैं. तो डॉक्टर आनंद जी और अगर बाकी सब साथियों से भी मैं कहूँगा कि यदि संभव हो तो इसका जो साइकोलॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है उसकी ओर से भी कभी कोई टिप्पणी अगर कर सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा. कोई भी आप में से साथी जो है इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या हो सकता है आकृति का, क्योंकि जब भी आप कुछ बनाते हैं तो उसके पीछे मनोविज्ञान काम तो कर ही रहा होता है कि क्यों ऐसी आकृति आपने बनाई. तो कोई वृत्ति काम कर रही होती है, तो जब आपने ल बनाया, ड बनाया, ड बनाया, भ बनाया, तो निश्चित रूप से एक वृत्ति काम कर रही होती है. तो समाज की वो वृत्ति को आप कैसे समझेंगे उससे, कि समाज ने उस वृत्ति को कैसे स्वीकार किया आकृति को, और उस आकृति समाज की किस उसको स्पष्ट करती है जो समाज का वो रूप रहा है. तो दोनों तरफ से ही है. तो चलिए इस सारे विषय को देखेंगे. प्रवीण जी आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने हाथ खड़ा किया है, यदि कहना चाहते हैं, नहीं तो फिर आज की हम बात को प्रश्नों के विश्लेषण पे ही, मुझे लगता है उत्तर तो नहीं शायद आज हम ढूंढ पाए हैं लेकिन फिर भी विश्लेषण और इसके कई पक्ष हमने कुरेदने की कोशिश की है. तो
प्रवीण चौहान जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपने को अनम्यूट करके कहें, नहीं है तो फिर हम आज की बात के लिए धन्यवाद करते हैं सभी का, और कल फिर मिलेंगे। कल का विषय भी इसी तरह का हल्का फुल्का है, जिससे हम सभी के बहुत अधिक परिचय है आइडिया ऑफ लाइफ के ऊपर। तो कल आप लोगों से मैं फिर अपेक्षा करूंगा और निवेदन करूंगा कि कल हमारे साथ जुड़ें आप, और वो एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम लोगों को बहुत अधिक जो है उससे हमारा परिचय है, और जिन विषयों से बहुत अधिक परिचय होता है वो कहीं ना कहीं अस्पष्टता में चले जाते हैं या वो उस तरह से प्रभावी नहीं हो पाते, तो उस विषय पे कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब लोग ने समय दिया, अपने विचार हमारे साथ साझे किए और इस विषय को और स्पष्ट करने में हमारी सहायता की। ये तो मैं नहीं कहता कि हमें कोई उत्तर मिल गए हैं या विषय बिल्कुल नितांत स्पष्ट हो गया है या हम बहुत गहरे उतर गए हैं, लेकिन फिर भी इसका विस्तार हम कर पाए हैं। और जैसे कि उसमें से एक विशेष जो विस्तार वाला पक्ष है वो है कि इन आकृतियों का शरीर के अवयवों से क्या संबंध है, कहाँ उनकी स्थापना होती है, ये निश्चित रूप से एक रुचिकर बात है जो कि मैंने अपने इस स्लाइड में शेयर नहीं कर पाया और मेरे ध्यान में भी नहीं था, लेकिन हाँ ध्यान आया कि भाई जब हम न्यास करते हैं वर्णों का तो सब जगह पर शरीर के सभी अवयवों में हम उनका करते हैं, लेकिन क्यों कौन से वर्ण का किस अंग में न्यास होता है और कैसे न्यास करने का आधार क्या है वो मुझे नहीं पता था, तो वो हमें कुछ बातें पता लगी हैं, तो उस विषय पे हम फिर दोबारा कभी चर्चा करेंगे। तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने समय दिया, पुनः फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे, और कल के लिए मैं एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके लिए वो रिमाइंडर तो अब नहीं भेजूंगा, लेकिन अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और उस वो विषय भी इसी तरह से ओपन हाउस डिस्कशन है, उसमें भी कोई विशेष हमने किसी का लेक्चर नहीं रखा हुआ, वो आने वाले समय में हम लोग लेंगे जो अन्य विषय होंगे ज्यादा। तो एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि कल हम दोबारा आप सबके साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं अब। धन्यवाद सर। ओम नमः।